हेलो नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ मेन सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो मेन सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है मेनली आज एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, GS4 का क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि खाप पंचायतें और जो सोसाइटी होती है इसको विवाह है और जो लव मैरिज वगैरह होती हैं इनके बारे में इंटरफेरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि खाप पंचायतें वो इंटरफेरेंस नहीं क्यों नहीं करना चाहिए, उनको क्या रीजन्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से उन्हें व्यक्ति के पर्सनल मामलों में इंटरफेरेंस है वो नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन है वो 150 से 200 वर्ड तक आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं GS4 एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एथिक्स के लिए, तो आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो देखो थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आंसर लिखो, तो देखो इस चीज़ को आप करंट से कनेक्ट कर सकते हो कि आजकल करंट में बता सकते हो कि खाप पंचायतें किस तरीके से वो जाहिद जो लव जिहाद का पॉइंट आता है वो सामने रख सकते हो एक दो लाइन में। इसके बाद आप बता सकते हो कि क्यों इनको जो खाप पंचायतें और जो सोसाइटी होती है इनको इंटरफेरेंस क्यों नहीं करना चाहिए। इंटरफेरेंस इसलिए नहीं करना चाहिए कि एक तो हमारे संविधान के खिलाफ है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कांट की एथिक्स है वो वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आपको रीजन्स देने, अपने तर्क देने कि भाई इन रीजन से ऐसे ऐसे लॉजिक हैं इसकी वजह से आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। जो भी रीजन से मिडिवल टाइम की एक अलग सिचुएशन थी, बट आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी ये उल्लंघन करा। तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन है वो आप मैक्सिमली 150 वर्ड तक ही करने की कोशिश कीजिएगा। और देखो सबसे अहम बात आपको बताता हूँ कि वर्ड लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप जब भी आंसर लिख रहे हो तो वर्ड लिमिट पे भी आपको फोकस करना चाहिए साथ। अगर आप स्टार्टिंग अभी कर ही रहे हो तो आपको पहले वर्ड लिमिट की बजाय आपको पहले आंसर पे देखना चाहिए कि कंटेंट कैसा है। जब आपका कंटेंट सही होने लग जाए उसके बाद आप वर्ड लिमिट पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा तब तक हमें वर्ड लिमिट का कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप कंटेंट अच्छा क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप जो वर्ड लिमिट है उस पर फोकस कीजिए। तो अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो आर्टिकल है वो आज देखो जो PDF है इन दो नोट्स हिंदी की वो आपको वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, वो एक्चुअली यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाया तो इसलिए वो जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको अपलोड मिल जाएगी, अभी उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो आज का जो सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं, इस आर्टिकल में मैंने ये कहा गया है कि सभी स्टेट्स हैं उनका अपना अलग फ्लैग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में तीन तर्क आए हैं क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेनली तीन पॉइंट्स आते हैं। तो ये जो एक महाशय है इनका कहना है कि हाँ हर स्टेट का अपना अलग झंडा है वो होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तीसरे कह रहे हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है होना भी चाहिए, मतलब कुछ हद तक लिमिटेशन वगैरह, ये सारे पॉइंट्स दे रहे हैं तो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि क्यों संविधान इनका ऐसा कहना है कि जो राइट पक्ष के तरह ऐसे दे रहे हैं कि भाई हाँ हर स्टेट का झंडा होना चाहिए। तो इनका ऐसा कहना है कि देखो एक तो हमारे संविधान में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ नहीं है, उल्लेख नहीं है कि स्टेट्स हैं वो अपना झंडा नहीं रख सकते, मतलब अपना फ्लैग है स्टेट फ्लैग है वो नहीं रख सकते, तो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट है वो अपना झंडा रख सकते हैं क्योंकि संविधान में मना नहीं किया गया। अगली बात यह आती है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेगा, इनका तर्क दिया जाता है कि भाई जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेगा क्योंकि संघीय ढांचे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है US और मेनली UK का कि वहाँ पे भी सभी स्टेट्स का अपना अपना झंडा है, उसके बाद भी वहाँ पे डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करी है तो इसीलिए हमारे स्टेट्स में भी होना चाहिए। अगला पॉइंट इनका ये आता है कि देखो डेमोक्रेटिक अधिकार है तो डेमोक्रेटिक अधिकार होने के नाते सभी लोगों की वैल्यूज़ बनती हैं तो इसीलिए सभी लोग अपना झंडा रखेंगे। अगली बात ये आती है सभी लोगों का मतलब है सभी स्टेट्स की बात है यहाँ पे। अगला है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की, मतलब हमारा जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है उसमें भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि स्टेट अपना झंडा नहीं रख सकते, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि झंडा हो नहीं सकता, तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि वो रखें या नहीं रखें उन पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट ये आता है कि जब लोगों की फीलिंग है, लोग खुद चाहते हैं कि उनके स्टेट का अपना झंडा हो, तो सरकार इसको कैसे रोक सकती है क्योंकि सरकार उनकी भावनाओं को सप्रेस नहीं कर सकती, उनकी भावनाओं को नहीं दबा सकती, इसलिए उनको झंडा बनाने की अनुमति वो देनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली कल्चर को प्रमोट है तो इनडायरेक्टली इंडिया के तो फायदा हो रहा है ना। देखो मेनली यहाँ पे इश्यू आता है कर्नाटक का कि अगर कर्नाटक की गवर्नमेंट अपना नया झंडा बना रही है स्टेट तो उसका क्या होगा, मतलब कर्नाटक के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, तो अगर कर्नाटक का कल्चर प्रमोट हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को भी उस चीज़ से फायदा होगा। अब आते हैं 9 के पॉइंट में कि क्यों नहीं स्टेट का फ्लैग होना चाहिए, इसके बारे में अपना पॉइंट बताते हैं। तो देखो इनका सबसे पहला पॉइंट तो यही कहना है कि एक तो तिरंगा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि देखो हमारा जो नेशनल फ्लैग तिरंगा है ना उसकी रिलेवेंस और अगर उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर एक स्टेट एक ही झंडा होगा पूरे देश में तो उसकी वैल्यू रहेगी केवल जम्मू एंड कश्मीर को विवाद को छोड़ के, क्योंकि उसको छूट दी गई है, आपको पता है आर्टिकल 370 की बात है वो।
आगे बात चलते हैं। अगला पॉइंट इनका ये कहना है कि भाई वन नेशन की जो थ्योरी है उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, मतलब हमारे देश में वन नेशन की जो भावना है उसको भी कहीं ना कहीं दबाया जाएगा, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और फिर अगला पॉइंट ये आता है कि जो क्षेत्रवाद मतलब रीजनलिज्म के ऊपर बात कहती है कि रीजनलिज्म है उसके ऊपर ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि देखो 26 स्टेट हैं, वो अपने अपने झंडे बनाएंगे तो अपने अपने एरिया को क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर अपने अपने एरिया को प्रमोट करेंगे तो उससे नुकसान होगा, क्या होगा, आपस में संघर्ष बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेटों के बीच में लड़ाई कराने के लिए भी एक अहम रीज़न हो जाएगा। अगला पॉइंट इनका ये दिया जाता है कि देखो अगर एक स्टेट का जैसे एक आदमी है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो मतलब दूसरे स्टेट में जाके अगर अपने अपने स्टेट के झंडे का अगर मतलब अपने झंडे के बारे में वहाँ पे प्रचार करे तो वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा दूसरे स्टेट को। जैसे आप एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ केवल आपको, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु का आप एग्जाम्पल ले लो कि कर्नाटका का अपना फ्लैग है, तमिलनाडु का अपना फ्लैग है। अगर कोई तमिलनाडु का आदमी कर्नाटका में जाएगा तो उससे बाकी कर्नाटका के लोग हैं उसके झंडे का मतलब इतना अपमान तो नहीं कर सकते, बट वो उसके झंडे को इतनी वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटी अपने एरिया के झंडे को वैल्यू देंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है ना, तो मतलब आपस में एक समाज में एक संघर्ष हो जाएगा, तो वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आपस में लड़ाई है, वो ऑलरेडी हमारे देश में काफी पहले लड़ाइयां हो रही हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि देखो भाईचारा है हमारे देश में, भाईचारे की जो भावना है उसको भी कहीं ना कहीं मतलब भाईचारे की भावना वो कम होगी और राज्यों में आपसी संघर्ष है वो जैसे अभी बताया। अगली बात आती है यूनिटी की, यूनिटी की बात ऐसी आती है कि सभी स्टेट हैं, देखो रीजनलिज्म बढ़ रहा है तो सभी स्टेट क्या होंगे, अपने अपने झंडे बजाएंगे, तो अपने अपने झंडे को तवज्जो देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी झंडों को वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। तो यूनिटी को भी हमारे देश की प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद में आती है कि इंडियन नेशन की, देखो जब फेडरेशन की बात की होती है तो इसमें पॉइंट ये आता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो मेनली यूएसए से काफ़ी अलग है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कि अलग कॉन्सेप्ट है, यूएस में कॉन्सेप्ट अलग है। यूएस में क्या है कि जो स्टेट है वो टूट नहीं सकते और सेंटर भी नहीं टूट सकता, जबकि इंडिया में कॉन्सेप्ट उल्टा है। इंडिया में सिस्टम यह है कि स्टेट है वो टूट सकते हैं जबकि सेंट्रल है वो नहीं टूट सकता, मतलब यूनियन है वो वैसी की वैसी रहेगी, स्टेट है वो आपस में तोड़ के नए राज्य हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो ये डिफरेंस है, तो इसलिए ये बात कीजिए। अब देखो लास्ट में आता है कंक्लूजन, इनके द्वारा कॉम्प्लिकेटेड का जो पॉइंट आता है, इनका ऐसा कहना है कि देखो इस चीज़ पे डिस्कशन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पर्याप्त डिस्कशन नहीं होगी तब तक लोगों में भी मतभेद रहेगा, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एक तो इस चीज़ पे कंप्लीट बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या किस तरीके के स्टेप हैं वो लेने हैं। इसके बाद में बात यह है कि गवर्नमेंट को लोगों की भावनाओं की कदर करनी है, बट एक लिमिट के अंदर। गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि हमारे देश की जो मेन वैल्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट वो नहीं होना चाहिए। और फिर पॉइंट आता है कि नेशनलिज्म, देखो नेशनलिज्म जो वर्ड है वो काफ़ी आज़ादी के पहले उसका अलग सीनेरियो था नेशनलिज्म का वर्ड, और आज उस वर्ड का अलग सीनेरियो हो गया, तो सिचुएशंस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गई हैं। तो इस वर्ड पे भी मैं सबसे अहम बात इनका ये कहना है कि देखो पहले डिस्कशन होनी चाहिए, उसके बाद में आगे स्टेप है वो उठाने होंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि देखो एक अगर जो रीजनल लेवल को प्रमोट किया जा रहा है तो उससे अच्छी बात है, हमारे देश को फायदा हो सकता है, बट कहीं दूसरे स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट को आप प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे स्टेट को लॉस हो रहे हो, तो वो पॉइंट यहाँ पे आता है। इसके बाद में तर्क दिया जाता है कि जब इंडियन आर्मी का, जब CISF वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, इनका नेवी का अलग अलग झंडा हो सकता है, तो बाकी स्टेट का झंडा क्यों नहीं होता। तो मतलब मेन बात यही है कि देखो इस चीज़ पर फोकस मतलब एक तरीके से डिस्कशन होनी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसके जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है मेनली वो देखो तीन चार आर्टिकल हैं, देख लेते कौन कौन से। ये सबसे पहला जो यहाँ पे आर्टिकल है ऊपरी ऊपर जो आज आर्टिकल है, ये मेनली आया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आपको पता है कि LOC पे डेली गोलियाँ चलती रहती है, तो उस चीज़ को लेके ये आया, तो एक ये आर्टिकल है। इसके बाद में ये जो अगला आर्टिकल यहाँ वाला मेन आर्टिकल है, ये मेनली पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इसमें भी दो तीन पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए इंडिया के पड़ोसी देशों के रिलेशन GS2 में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इंडिया के नेबरहुड रिलेशन, तो वहाँ पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सीज फायर को। देखो सीज फायर वाले आर्टिकल में इसमें एक आ गया इंडिया पाकिस्तान में कि LOC के ऊपर अभी जो टेरिटरी LOC का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी काफ़ी खिंचातनी चल रही है, डेली सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और 2003 में जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए, और स्टार्टिंग में तो ये हुआ था, तो हुआ था LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, बट बाद में हुआ क्या, बाद में इसे पूरे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए कर दिया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। 2003 में जब आपको बताया कि गवर्नमेंट थी, तो उन गवर्नमेंट ने आपस में एग्रीमेंट किया कि भाई शांतिपूर्वक इस मामले को संभाल के, मतलब शांतिपूर्वक इस मामले का समझौता है वो कर लिया जाए, पर बाद में हुआ ये कि धीरे धीरे अभी आजकल है सीज फायर का उल्लंघन लगातार बढ़ते जा रहा है। और आर्टिकल बता रहे हैं कि देखो लास्ट ईयर के जो डाटा हैं 2017, उन डाटा 2017 के डाटा से आंकड़ों से पता चल रहा है
कि भाई जो उल्लंघन है वो सबसे ज़्यादा हुआ है 2017 में, 2003 के बाद मतलब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पिछले साल सबसे ज़्यादा उल्लंघन हुआ, तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही जम्मू जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये देखो क्योंकि देखो अगर सीज़ फायर का उल्लंघन होता है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे आर्मी को दिक्कत होती है, वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत होता है, गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो बटा एक्सपेंडिचर वगैरह, इसके साथ ही काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं, और वहाँ पे जो फसल वगैरह है वो भी टाइम से पहले काटनी होती है, तो काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। इसके बाद में ये राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे काफ़ी लोगों की जाने जा रही हैं, जैसे इस बार देखा जाए तो जो 2018 की साल का जनवरी महीना है इसमें सबसे ज़्यादा उल्लंघन हुए हैं सीज़ फायर के, और वहाँ पे काफ़ी लोगों की जाने हैं वो गई हैं, तो आम सिविलियंस की अगर जाने जा रही हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं इसमें बाद में कंक्लूजन पे, तो इस आर्टिकल में कंक्लूजन में ये कहा गया है कि देखो दोनों कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियन हैं मतलब जो पॉलिटिशियन लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आपस में पॉलिटिकल विल के साथ सामने आना होगा और आपस में इस चीज़ का समझौता करना होगा। आर्मी एक लिमिट के बाद इस चीज़ का समझौता वो नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स आपस में आके इस चीज़ का समझौता नहीं करेंगे, आपस में बातचीत के द्वारा कोई सही मार्ग नहीं लेके आएंगे, तब तक आर्मी क्या कर पाएगी। तो राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ को सामने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आना होगा और आपस में समझौता करना होगा, तभी इसका प्रॉपर सोल्यूशन है वो आएगा। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली इधर ही है, ये है मेनली पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और उसके बारे में पॉइंट है। अब देखो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हमें डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है वो, तो हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे चल रहा है उठपटांग काम या जो भी कुछ हो रहा है वो हमें डिस्कस करना पड़ता है, और वो हमारी यूपीएससी हमारे रिलेशंस में पूछ सकती है। अब यूपीएससी बाकी स्टेट से तो नहीं पूछेगी, बाकी कंट्री से तो, कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ सभी। तो अब देखते हैं इसमें, इस आर्टिकल में देखो ये कहा गया है मेनली कि पाकिस्तान की जुडिशरी और डेमोक्रेसी के बारे में, कि जब पिछले साल नवाज शरीफ थे उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे थे, पनामा पेपर्स का भी काफ़ी इश्यूज था, करप्शन वगैरह के, तो उसकी वजह से। तो उसके बाद हुआ क्या कि देखो जो नवाज शरीफ थे उनका पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा सपोर्ट ग्रुप था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने उनके उनके मतलब फेवर में क्या विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई इनको क्यों हटाया गया, वो सारे रीजन है, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों की तकरार होना शुरू होगी। अब देखो हम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान का कि सिनेरियो है क्या। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, एक्चुअली है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी, बट 2007 से पहले तो क्या था कि नाम नाम की डेमोक्रेसी थी, मतलब वहाँ पे मिलिट्री ही रूल करती थी, केवल सुप्रीम कोर्ट थी वो नाम नाम की थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को केवल बनाया गया था, बाकी सारे जो उसके कंट्रोल थे वो आर्मी के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता था, ये सीन था पहले। बट 2007 के बाद सीनेरियो कुछ चेंज हुआ और 2007 के बाद जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ी और उसने एक तरीके से अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। बट हुआ ये कि जब पिछले साल जब ये केस आया पनामा पेपर को, नवाज शरीफ का केस आया, इसके बाद लोगों को लगने लगा कि भाई जुडिशरी है वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करी है, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को प्रभावित कर रही है, मतलब वहाँ के सिस्टम वगैरह को। अब देखो पाकिस्तान का सीन ऐसा है कि वहाँ पे आर्मी है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरफेयर या उसको प्रभावित करती रहती है, उसके लिए वो नए नए स्टेप वो लेके आती है। नए नए स्टेप का मतलब ये है कि वो काफ़ी बार प्रभावित करने के नए नए तरीके हैं, जैसे कि टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ हद तक वहाँ पर डेमोक्रेसी को भी प्रभावित किया जाता है, और पाकिस्तान की आर्मी वगैरह वो प्रॉपर ढंग से लोगों को बहकलाती है, वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में देखो बात ये आती है नया पॉइंट कि 2007 के बाद जब हालात ठीक हुए थे और पिछले साल जब काफ़ी बदल गए, उस कंडीशन में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा कि वो सिलेक्टिव एक्टिविज्म की जो पॉलिसी है उसको अप्रोच कर रही है, मतलब सिलेक्टिव एक्टिवेशन की अप्रोच का मतलब ये है कि वो केवल सिलेक्टिव काम है वो तो इंडिपेंडेंट रूप से कर रही है, पर बाकी जो मैक्सिमम काम है वो वहाँ की आर्मी के कंट्रोल में रह के ही कर रही है, तो इसकी वजह से वहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके बाद में बात आती है कुछ पॉइंट्स की कि भाई किस तरीके क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट दिया जाता है इसमें कि देखो जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको पाकिस्तान लाने की बात थी बट उनको अभी तक पाकिस्तान लाया नहीं गया, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन या कोई भी एक्शन है वो नहीं लिए, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ की आर्मी का प्रभाव है और आर्मी के प्रभाव की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि उसको उनको अभी तक वहाँ पर नहीं लाया गया। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो पाकिस्तान लगातार अटैक करवाता रहता है इंडिया में, तो उसके लिए पॉइंट्स भी आप देख सकते हो कि उसके ऊपर कोई एक्शन अभी नहीं ले रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स से पता चल रहा है कि केवल सिलेक्टिव एक्टिविज्म के प्रोसीजर अप्रोच है वही पाकिस्तान की जुडिशरी के द्वारा ली जा रही है। तो देखो बाद में ये आती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस का क्या किया जाए, तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये सबसे पहले कारण बताया जाता है कि देखो वहाँ पे तो डिफरेंट एक्टर हो गए, मतलब इंडिया में तो जैसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा कि भाई अगर कुछ भी हो रहा है संविधान से रिलेटेड कोई भी केस है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में डिफाइन करेगा, बट पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, स्टेट है वो अपनी मनमानी की, और वहाँ पर आर्मी है वो अपनी मनमानी, मतलब क्या कि वहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर हो गए। अब बात दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया किससे बात करे, क्योंकि अगर एक लीडर हो वहाँ पे
जाकर तो उससे बातचीत की जा सकती है और समाधान हो सकता है। तो वहाँ पे ना तो पॉलिटिकल लीडर सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, ना ही आर्मी ढंग से सक्सेसफुल हो पा रही है। मतलब क्या कि बहुत सारे लीडर हो गए इसकी वजह से वहाँ पर बातचीत वगैरह के थ्रू कोई भी सोल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि शांति होएगी उसके, देखो एक बात यहाँ पे, अगर वहाँ पे शांति होगी तो वहाँ की आर्मी को बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आर्मी को दिक्कत ही हो जाएगी क्योंकि वहाँ की आर्मी तो इसी नाम पे भी अभी इसी नाम पे तो भाई भाई बटोर रही है कि भाई वहाँ पे इंडिया इंडिया है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इसकी वजह से उनको सपोर्ट चाहिए, उनको पैसा चाहिए और इसी वजह से जो फाइनेंशियल एड मिल रही है पाकिस्तान को, तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी वो चाहती नहीं है कि इंडिया के साथ मामले का सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सेटलमेंट होगा तो उनको फॉरेन कंट्रीज एड वगैरह वो नहीं देंगी, फाइनेंशियल फंड वो नहीं देंगी, तो उनकी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी। तो मैंने ये पॉइंट्स थे इस आर्टिकल में हमारे काम की। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो ये आर्टिकल है नीचे वाला, इस आर्टिकल में मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में और इंडिया के बारे में कहा गया है। तो यह मैंने GS3 में इकोनॉमी के पॉइंट से नजरी होता है, इकोनॉमी के पॉइंट से हमारे लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में मैंने देखो बताया गया है कि इस बार का इकोनॉमी सर्वे है उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, उस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो उसमें क्या गया है, इस चैप्टर में मेनली इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि हमारे देश के अंदर जो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ाना होगा। अब देखो दिक्कत आ कहाँ रही है वो भी सारे पॉइंट देखते हैं कि हमारे देश में ये क्यों नहीं बढ़ रही है। अभी आंकड़े ये बता रहे हैं, उसको आंकड़ा दिया गया है तो सारा डाटा तो देखो हमें याद नहीं रखना है, बट मेनली ये कहा गया कि हमारे देश के अंदर GDP का जो जितना भी हिस्सा है उसका काफ़ी कम हिस्सा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट को खर्चा वो बढ़ाना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। क्योंकि देखो जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगी तभी हमारे देश में फायदा क्या होगा कि इकोनॉमिक सेक्टर आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक सेक्टर का लिंक ऐसे है कि नई नई रिसर्च होगी तो नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, तो उसके लिए नई इनोवेशन नए आइडिया होंगे, नई जॉब वगैरह पैदा होंगी, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी को तो फायदा हो रहा है ना। तो मतलब ऑल ओवर बात यह कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। हालांकि वो बात ये कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने पहले की बजाय जितना बजट दिया जाता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उसे डबल कर दिया है, बट फिर भी वो काफ़ी कम है। यहाँ कंपेयर किया जाता है इंडिया को मेनली चाइना से या USA से, चाइना और USA में कम से कम 2% जो बजट है वो वहाँ की GDP का खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इंडिया को भी कम से कम 2% बजट तक खर्च करना चाहिए। इंडिया भी बजट खर्च कर रहा है वो कर रहा है 0.8% से भी कम, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब आर्टिकल इसी चीज़ पर मेनली बात फोकस कर रहा है। अब इसमें बात यह आती है मेनली अगला कि देखो इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है, उसका फायदा क्या क्या होगा और भी गवर्नमेंट को रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स देखते हैं। देखो चाइना में अपनी GDP का 2% खर्च किया जाता है, इसीलिए चाइना की इकोनॉमी है वो काफ़ी आगे है, क्योंकि उन्होंने क्या है रिसर्च पे फोकस किया, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट बढ़े तो ऑब्वियसली नई रिसर्च होगी, नई इनोवेशन, नए आइडियाज आएंगे, नए आविष्कार होंगे, तो उससे वहाँ की इकोनॉमी को फायदा होगा ना, नई इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी, वो सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद में आर्टिकल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो बड़े इंस्टीट्यूट है ना, बड़े इंस्टीट्यूट की बजाय छोटे इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ों पे इंस्टीट्यूट बड़े जो रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंट हैं, बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे फोकस ना करें, बड़े पे भी फोकस करना है बट छोटे पे ज़्यादा फोकस करना है, छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। क्योंकि देखो अगर छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है उसका फायदा ये होगा कि छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से नॉलेज वो आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे गूगल का ले लो, चाहे रमन जो ले लो, चाहे इसरो का, कि इसरो है उसके बारे में कहा जाता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी छोटा था, विक्रम साराभाई ने बहुत सस्ते में काम स्टार्ट किया था, बट उसके बाद में देखा जाए तो आज इंडिया की काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा अहम रोल है। तो इसी बार गूगल का कहा जाता है कि गूगल था स्टार्टिंग में, उन्होंने पेपर्स के मतलब पेपर्स को लेकर स्टार्ट किया था, बट आज उनका बिजनेस देखा तो काफ़ी आगे बढ़ गया। मतलब उनकी रिसर्च थी पहले काफ़ी छोटे लेवल पर थी, बट उनको बाद में क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। तो अगर छोटे इंडस्ट्री या रिसर्च सेक्टर को प्रमोट किया जाता है तो धीरे धीरे वो क्या है कि बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े जो रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं उनको क्या है कि एक तरीके से उनकी नींव का काम करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इन पर फोकस करना चाहिए, चाहे कॉलेज वगैरह लेवल पे हो चाहे किसी पे, और इसीलिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड वगैरह वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट आते हैं। इसके बाद में बात आती है कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन पे भी फोकस करना होगा। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके जो हेड है, मतलब जो छोटे छोटे रिसर्च डेवलपमेंट है उनके अगर हेड है तो उनको सारी चीज़ बताओ। जैसे आप ये ले लो कि एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी है, कॉलेज में सॉरी लैब है, उस लैब के जो हेड है उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होता है कि हमारे लैब में कौन से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट को कितना खर्चा चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको प्रमोट करना चाहिए ना, ताकि वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी भी है और वो लोग क्या कि बताएं गवर्नमेंट को कि हाँ इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है और इस प्रोजेक्ट से हमें ये फायदा होगा। तो अगर छोटे छोटे जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं उन पर फोकस किया जा रहा है, इसी के साथ जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन है इन पर फोकस करेगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा और हमारे देश की इकोनॉमी को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उस चीज़ से फायदा होने वाला है। इसी के बाद लास्ट में आर्टिकल कह रहा है कि अगर जो भी देखो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जब तक गवर्नमेंट
इन आइडियाज को पंख नहीं देगी तब तक वो सपने मतलब पूरे कैसे हो पाएंगे, तब तो उड़ कैसे पाएंगे। तो गवर्नमेंट को पहले जो छोटे टारगेट्स हैं इनको पूरा करना होगा, तभी गवर्नमेंट बड़े टारगेट्स को अपने आप। इसके बाद में बात की जाती है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खामी है उनको भी दूर करना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि उनमें भी एक जैसे गवर्नेंस से संबंधित काफ़ी बड़ा इशू है। गवर्नेंस से संबंधित इशू की बात ये आती है कि एक तो उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कई बातों का नेपोटिज्म का आरोप लगता है कि भाई भतीजावाद की वजह से क्या कि जो बड़ी पोस्ट हैं वो कुछ लोगों के पास ही या कुछ लोगों के अंडर ही रहती हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपस में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनमें एक तरीके से कंपटीशन होना चाहिए कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बनाया तो दूसरे अपने आप उस तरीके को उससे प्रमोट होकर कुछ और बनाए। तो मतलब आपस में कंपटीशन होगा तो उसका फायदा हमारे देश को होगा, कंपटीशन पॉजिटिव वे में होगा तभी उस चीज़ का फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई हेड बन गया उसके बाद वो 5 साल तक कोई काम नहीं कर रहा तो भी उसको हटाया नहीं जा रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा अच्छा तो उसको हटा दो, दूसरे को बना दो, तभी तो रिसर्च डेवलपमेंट होगी और आगे बढ़ेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल है वो मेनली म्यांमार के राइन प्रांत के बारे में, तो उसमें एक दो पॉइंट थे तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको कल की डिस्कशन में ऐड कर लेंगे क्योंकि कल सैटरडे है, तो कल वैसे आर्टिकल है वो कम रहेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।